आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को जमीन विवाद में 107 का मुकदमा के बारे में बताता हूँ। अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति इस नाम से 107 का जो मुकदमा है इसको जाना जाता है। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक परिशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभाव्यता परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति विक्षुब्ध हो जाएगी, तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे परिशांति कायम रखने के लिए उसे प्रतिभूतियों सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए। दोस्तों, दूसरा खंडिका में बताया गया है, इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब यह तो वह स्थान जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर है या ऐसी अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के परे संभाव्यता परिशांति भंग करेगा या लोक परिशांति विक्षुब्ध करेगा या यथापूर्वक कोई सदोष कार्य करने से है। दोस्तों, खास करके जमीन संबंधी विवाद में 107 116 का मुकदमा लगाई जाती है जो परिशांति भंग करने की बात को लेकर है, और यह मुकदमा जमीन विवाद से हटकर किसी प्रकार की और जो विवाद उत्पन्न होने की दशा है ऐसी परिस्थितियों से पहले की बात इसमें बताई गई है जो 107 दंड प्रक्रिया संहिता में इस बात का भलीभांति उल्लेख किया गया है, और इसमें एक वर्ष तक परिशांति कायम करने की बात कही गई है, शांति कायम करने की बात कही गई है, लेकिन न्यायालय इसे एक वर्ष से और भी अधिक समय के लिए परिशांति कायम रखने के लिए उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर यह आरोप लगी है उसके ऊपर दंडित किया जा सकता है, उसे इस बात से अवगत किया जा सकता है, उस बात से इसको दंडित किया जा सकता है, प्रतिभूति लिया जा सकता है कि वह एक वर्ष से अधिक समय के लिए शांति कायम रखेगा, परिशांति भंग नहीं करेगा।